दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो है कि यूपी ट्रिपल एस से एक नोटिस जारी किया गया था, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर जो 29 अक्टूबर 2023 को परीक्षा जो प्रस्तावित कर दी गई है, आपने देखा होगा ये कौन सी है, जो अभी पैट के फार्म भरे गए थे 38 लाख के आसपास, पैट 2023 की उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। और यहाँ पर बताया गया यूपी ट्रिपल एस के थ्रू जो है ये देख लीजिए, परीक्षा नियंत्रण के हस्ताक्षर भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया इसमें 28 अक्टूबर 2023 शनिवार और रविवार के दिन 29 अक्टूबर को जो है परीक्षा स्थगित की जाएगी, और यहाँ पर जो है स्थापित की जाएगी, और यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एस की सूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। ठीक है, तो 4 सितंबर आज का नोटिस, आज 4 सितंबर 2023। ठीक है, आज के दिन जो है आप देख सकते हैं प्रीमियम एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट का जो है अभ्यर्थियों का सूचित किया जाता है, यहाँ पे जो लिखित परीक्षा वो कराई जाएगी। और नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पर बता दिया, यहाँ पे स्टाफ नर्स आयुर्वेद के अगर किसी ने आवेदन नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है 300 पदों पर जो, और यहाँ पे जो है विभाग के द्वारा जो है 300 पदों पर विज्ञापन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है सोमवार से, प्लीज़ यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा ये। और सुबह की खबरों में कुछ इंपॉर्टेंट खबर छूट चुकी थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया इसमें पदोन्नति, पगार और जो है परमाने में उलझे हैं शिक्षक, मतलब पढ़ाना वढ़ाना सब बाढ़ में गया, केवल इसमें उलझे पड़े प्रमोशन कैसे होगा, सैलरी कैसे बढ़ेगी हमारी, और जो है इसमें जो है परमाने उलझे पड़े हैं, है ना। तो ये सब मैं जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बता दिया गया, बेसिक बस ये चल रहा है इसमें। 1.36 लाख स्कूल प्रदेश में है और 4.53 लाख शिक्षक है, 1.19 करोड़ बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल ट्रांसफ़र के लिए बोल रहे हैं, तो उसी में उलझे पड़े सब जो टीचर लोग जो हैं ये। और जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत कौशाम्बी का नाम आपने सुना ही होगा, कौशाम्बी में जो है आवासीय विद्यालय के अंतर्गत जो है ये जो है संचालित स्कूल 8 जो है कौशाम्बी में 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सभी के अंतर्गत जो है ये चौकीदार, चपरासी और रसोईया की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो चुका है ये। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया इसमें चपरासी हो गया, चौकीदार हो गया, ये जो है ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सैलरी इसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है कौशाम्बी में थंबनेल में आपने देख लिया, थंबनेल में लिखा था मैंने कौशाम्बी में चपरासी तो ये भर्ती है, चौकीदार ये भर्ती है, तो ये दोनों भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। यदि आप इच्छुक हैं तो प्लीज़ ये वाला फॉर्म जो है भर सकते हैं, केवल कक्षा 8 पास केवल इसमें आवेदन कर सकते हैं ये जो है। और इसमें आप क्या हुआ सर, आवेदन कैसे करें, आवेदन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, केवल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहीं से जाके ये वाला आवेदन आपको कर देना है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये वाला फॉर्म आपको जो है भर देना है। ठीक है, तो फॉर्म आपको जरूर भरना है। ठीक है, ये वाली बात आप ये देख लीजिएगा, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर बता दिया गया। ठीक है, इसमें एज लिमिट 25 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए और 45 वर्ष से एज लिमिट अधिक ना हो, कहना मतलब क्या, इसमें जो है 25 से 45 वर्ष तक इसमें एज लिमिट लिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे इसमें जो है कि इसमें जल विभाग के अंतर्गत जो है ये 10+2 की वैकेंसी आ चुकी है ये। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, बताया गया पंप टेक्नीशियन भर्ती 2023 लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अंतर्गत शासन ने के जो है अंतर्गत पंप टेक्नीशियन व टेक्नीशियन चालक के जो है रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भर्ती जो है वो 2023 की है, अभ्यर्थियों किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 10+2 मतलब 12th पास कर रखा हो तो इसका फॉर्म आप ये भर सकते हैं। अब इसमें आपको आवेदन कैसे करना, आवेदन के लिए आपको जो 188 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है, सैलरी इसमें 22,400 से लेके 71,200 सैलरी मिलेगी, और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके ये वाला फॉर्म आप ये जो भर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये वाला फॉर्म आप भर सकते हैं, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जाइएगा। ठीक है, तो अगर आपको कमेंट करना है कमेंट कर दीजिएगा, वेबसाइट उपलब्ध रहेगा, छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकली है पूरे, इसमें जो है कहीं पर भी नौकरी मिले तुरंत कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की बात बताऊँ, मैं खुद इस समय छत्तीसगढ़ में आया हूँ, मैं इमरजेंसी काम में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखना यहाँ पर जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में यहाँ पर गया था और यहाँ का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये है बैंक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर फोटो, मैं खुद इस इमरजेंसी काम से छत्तीसगढ़ आया हुआ हूँ, और ये जो है मैंने फ़ोटो लिया है, यहाँ पर रायगढ़ है, यहाँ पर रायगढ़ में छत्तीसगढ़ में आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मैं हूँ, और ये जो स्टेशन का फ़ोटो है उदयपुर स्टेशन है ये, तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं खुद इस समय छत्तीसगढ़ में आया हुआ हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इमरजेंसी काम से आया था मैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं नौकरी कहीं पर मिले पूरे भारत में तुरंत नौकरी कर लीजिएगा।
और मैं जो आया था वो देख सकते हैं यहाँ पे जो लौड़ा झर छत्तीसगढ़ रायगढ़ यहाँ पे खरसिया के पास में, ये यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र पे था, तो यहाँ पर मैं इमरजेंसी काम से आया था। और यहाँ पर देखो फोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है। ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ में हूँ इस समय, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये थी। और यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई है वो कहाँ से निकाली है, रायपुर, दुर्गापुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और ये कोटा गांव, यहाँ पर जो भर्ती आ चुकी है जो है। तो आपको आवेदन जो है बहुत जल्द कर देना है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो है। और यहाँ पर अभी आप ये देख सकते हैं सीधी भर्ती हेतु जो रिक्त पदों पर जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जल विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी, मतलब तृतीय श्रेणी आप जानते हैं ग्रुप सी की नौकरी है, ये अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना, आवेदन ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आवेदन के लिए जो है आपको इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वाला फॉर्म आप ये भर दीजिएगा। सीधी सी बात क्या, चुनावी माहौल, मतलब क्या आपने देखा होगा जब इलेक्शन आते हैं ना तो सारी भर्तियाँ जो अटकी होती हैं सब क्लियर हो जाती हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा होगा चुनावी वर्ष में होंगी भर्तियों की भरमार, जो आपकी क्लर्क भर्ती अटकी पड़ी है इंटर कॉलेज में सबसे पहले वही क्लियर होगी, क्योंकि उसमें कोई एग्जाम तो है नहीं, डायरेक्ट टाइपिंग कराई जाएगी और टाइपिंग के बाद डायरेक्ट इसमें जो इंटरव्यू लेके जॉइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी यही, सबसे पहले भर्ती जो है वो इंटर कॉलेज में क्लर्क भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद तुरंत जो है नए आयोग के द्वारा बन के तैयार है नया आयोग, इसमें यहाँ पर नए आयोग के गठन के बाद ही जो है लंबित पड़ी जो भर्तियाँ उसको क्लियर वो कराई जाएंगी, भर्तियाँ बहुत जल्द क्लियर होंगी, ठीक है। बात करेंगे इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारओ की वैकेंसी कब तक आएगी, अभी ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी में जॉइनिंग लेटर आपको मिल चुका हो सभी को जो है लगभग, अब आरओ यारओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो है भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। पुरानी क्लर्क भर्ती में जॉइनिंग लेटर से जो है मिलना कब शुरू होंगे, मैंने कहा कि अभी मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल जस्ट अभी दिखाया, चुनावी माहौल है, चुनाव में सभी पार्टियाँ सोचती हैं हमें बोर्ड मिले और हम जो है दोबारा सरकार बनाएं। तो सीधी सी बात क्या है, बहुत जल्द जो है भर्ती क्लियर होंगी, इन तैयारी घड़ियाँ जो आपकी समाप्त होने वाली हैं, ठीक है। बहुत जल्द आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। इसमें कुशीनगर में जो संविदा भर्ती अगस्त में निकली थी सिर्फ एक साल के लिए है क्या, इन्होंने पूछा कि संविदा पर चपरासी भर्ती जो निकाली गई थी कुशीनगर में क्या एक साल के लिए, नहीं भाई साहब, जब तक सरकार चाहेंगे तब तक आपको रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं एक साल के लिए जो है। हाईकोर्ट में आरओ की वैकेंसी कब तक आएगी, बहुत जल्द आने वाली है, तो मैंने बता दिया। माध्यमिक स्कूल चपरासी भर्ती कब तक आएगी, सुना था चपरासी भर्ती में एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा भाई, इसमें केवल इंटरव्यू होगा, ठीक है, आजमगढ़ में, और ये एकदम बोलते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए संविदा चपरासी भर्ती बोला गया है गोरखपुर में कब तक आएगी, ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ जो है ये। नमस्कार सर, थर्ड पार्टी जो है कर्मचारी भर्ती रेगुलर गवर्नमेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार चाहे तो तुरंत आपको परमानेंट कर देगी और करेगी जरूर, क्योंकि वोट बैंक सबको प्यारा होता है, वोट बैंक के चक्कर में बस जो है संविदा वाले परमानेंट हो जाते हैं। शाहजहानपुर से जो अभी कॉल आया है स्टेनोग्राफर का, उसका इंटरव्यू परसों है, तो जाइएगा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए बधाई हो। और गोरखपुर में इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मुझे भी कॉल आया है, कल जो है जाना इंटरव्यू के लिए, चपरासी भर्ती है या स्टेनोग्राफर, अच्छी बात, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। इंटरव्यू कब होगा गोरखपुर मंडल का समिति चपरासी भर्ती का, आज 9 दिन हो चुके हैं, ठीक है, तो बताता रहूँगा मैं आपको। अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।